हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि अगर आप न्यूट्रोसोटिकल प्रोडक्ट या फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप फूड सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट या न्यूट्रोसोटिकल्स की मार्केटिंग कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शुरू कर सकते हैं, किस तरह के लाइसेंस की आपको जरूरत होगी, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत ही वास्ट सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी इंडस्ट्री आपस में इस तरह मिक्स है कि उनको डिवाइड करना और उनको डिफ्रेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर हम किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट उठा के देखते हैं तो उसमें 40% 30% या उससे ज्यादा प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो फार्मास्यूटिकल नहीं होते, वो डाइटरी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट या फिर न्यूट्रोसोटिकल की कैटेगरी में आते हैं, और उनके लिए आपको फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता। मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी अलग वे से होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको अलग तरह के लाइसेंस की जरूरत होती है, तो उनमें आपको फार्मा से जुड़ा हुआ ड्रग लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। लेकिन फिर भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास 30-40% या उससे ज्यादा प्रोडक्ट भी ऐसे हो सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल में ना आके फूड सप्लीमेंट में, डाइटरी सप्लीमेंट में या न्यूट्रोसोटिकल की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में कि कौन सा प्रोडक्ट फार्मा में बना हुआ है, कौन सा न्यूट्रोसोटिकल या फूड सप्लीमेंट में बना है, तो उसका एक सिंपल सा वे होता है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट का कंपोजिशन देखते हैं, सबसे पहले तो उसके जो टैक्स रेशो होती है, टैक्स की जो स्लैब होती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती है, वो 12% में आती है, और जो फूड या डाइटरी सप्लीमेंट या न्यूट्रोसोटिकल्स आते हैं वो 18% की कैटेगरी में आते हैं। अगर उस पर 18% अगर जीएसटी लगा हुआ है तो वो बेसिकली सी बात है कि वो फूड सप्लीमेंट में बना होगा। अगर आप टैक्स से जुड़ा हुआ आपके पास कोई वो नहीं है और आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो कि कौन सा फूड सप्लीमेंट में आएगा, कौन सा फार्मा में आएगा, तो जहां पे कंपोजिशन लिखा होता है, क्योंकि सेम चीज बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन वगैरह होते हैं जो फार्मा में भी बनते हैं, फूड सप्लीमेंट में भी बनते हैं, और जब वो दोनों ही तरह से बनते हैं, फार्मा में बनते हैं, फूड में भी बनते हैं, तो उनका डिफ्रेंशिएट करना वहां पे जरूरी हो जाता है। तो जब डिफ्रेंशिएशन की बात आती है, जो फार्मास्यूटिकल में बना होगा, तो जब आप कंपोजिशन चेक करेंगे तो उसके जो आगे होगा, जो जैसे विटामिन सी लिखा हुआ है, विटामिन डी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ है, तो वहां के उसके आगे आईपी, यूएसपी या बीपी लिखा होगा। आईपी से हम इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी से यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी से ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो ये रेफरेंस होते हैं जो फार्मास्यूटिकल के जब भी हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, तो हमें वहां पे मेंशन करने होते हैं। लेकिन जब वही चीज आपको फूड सप्लीमेंट में मिलेगी, डाइटरी सप्लीमेंट में या न्यूट्रोसोटिकल में मिलेगी, तो वहां पे रेफरेंस नहीं होते, वहां पे सीधा केवल ये लिखा होगा विटामिन सी, और सीधा उसका जो फॉर्म होगा वो लिखा होगा, वहां पे आईपी, बीपी या यूएसपी वगैरह नहीं होगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा तरीका होता है। अब आते हैं लाइसेंसिंग पे। अगर आपको फूड सप्लीमेंट करना है, आप फार्मास्यूटिकल ड्रग लाइसेंस नहीं ले सकते, लंबा प्रोसीजर नहीं कर सकते, और केवल आप एक सेगमेंट पकड़ते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, और केवल फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रोसोटिकल्स पे या डाइटरी सप्लीमेंट पे ही केवल काम करना चाहते हो, तो उसके लिए जो आपको लाइसेंस की जरूरत होगी, वो आपको जो FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। जनरली जो फूड सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट है, वो काफी महंगे आइटम होते हैं, तो जो भी फूड अथॉरिटी, जब भी हम न्यूट्रोसोटिकल या फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस कराने जाते हैं, तो वो हमें स्टेट लाइसेंस के लिए प्रेफर करती है, रिकमेंड करती है कि आपको स्टेट लाइसेंस लेना चाहिए। बाकी जो FSSAI का जो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होता है, वो टर्नओवर बेसिस पे होता है। 12 लाख के एनुअल टर्नओवर से कम रजिस्ट्रेशन पे भी काम चल जाता है, उससे ऊपर स्टेट लाइसेंस, फिर सेंट्रल लाइसेंस, तीन कैटेगरी बेसिकली डिवाइडेड होती है वहां पे। तो उसके लिए आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की या फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती जब आप FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। सिंपली आप ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं, या किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, और वहां से जाके आप पूरा प्रोसीजर लॉगिन करके वहां पे अपना अकाउंट बना के पूरा जो भी वहां पे स्टेप दिए गए हैं उनको कंप्लीट करके आप अपने रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा वैरी करता है, कहीं जगह आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराने पड़ते हैं अपनी फूड अथॉरिटी में, कहीं जगह नहीं भी कराने पड़ते हैं, तो आपका जो स्टेट पड़ता है उसके हिसाब से आप जो भी वहां पे प्रोसीजर अप्लाई होता है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सभी स्टेट का एक ही सेंट्रलाइज पोर्टल होता है और वहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो अगर जनरली हम फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा वास्ट कैटेगरी आती है अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो एज ए फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट या न्यूट्रोसोटिकल बेचे जाते हैं। उनमें जितने भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, DHA की हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स होंगे, एंजाइम्स भी आते हैं उसमें,
लाइकोपिन वगैरह के जितने कंपोजिशन आते हैं वो भी फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट में बनते हैं। तो बहुत ही वास्ट कैटेगरी में फूड सप्लीमेंट का, न्यूट्रास्यूटिकल्स का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और वो एक ईजी वे रहता है क्योंकि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की, ज्यादा लाइसेंसेज की आपको वहां पर जरूरत नहीं पड़ती। तो उस तरह आप इजीली अपना जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आप फार्मा से रिलेटेड नहीं करना चाहते तो आप फूड सप्लीमेंट में, डाइटरी सप्लीमेंट में न्यूट्रास्यूटिकल्स की मार्केटिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हो और वो भी आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंट्री का बहुत ही अच्छा और सिंपल वे हो सकता है। उसके द्वारा आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।